काफ़ी टाइम से गाइस मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे, उसका रीज़न आपको मैं बता दूंगा। आज मेरे फादर है जो पापा मेरे, उनकी डेथ हो गई थी। तो ये है अपनी NS125 CC की, और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है वो बाकी इसके पार्किंग मतलब देखो गाइस। इस पे रैप करने वाले अपन लोग, ये कार्बन फाइबर के है, एग्जॉस्ट साउंड आपको बताइए। मम्मी है जो हमें ऐसा फील नहीं होने देती कि मेरे पापा नहीं है, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो क्रेजी राइडर यूट्यूब चैनल को गाइस। तो गाइस पल्सर NS125 CC, इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है अभी पूरी। ये मैंने साल मारा, सब उठ जाता है, फिर अब किक से स्टार्ट होगी। सिर्फ किक से भी बहुत देर ही होती है यार, देखो किक से भी नहीं हो रही। अब हो गया देखो किक से स्टार्ट। ये लोग कहेंगे कि इसकी बैटरी चार्ज करवाओ भाई, तो बैटरी इसकी चार्ज करवाई थी मैंने अभी 2-3 दिन पहले, जब इसको पूरा ठीक करवाया। पार्किंग बल्ब लगा रखे इसमें रेड, जो कि एक फ्यूज़ हो गया था, अभी न्यू लेके आया हूँ मैं दोबारा। अब सेल मारूँ फिर बंद हो जाएगी। देखो इतना पैसा लगा के ठीक करी है मैंने, और उसके बाद भी इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है बार बार ही, पता नहीं। सेल्फ चार्ज तो हो नहीं रही है, एक तो वो किक से भी नहीं हो रही कभी कभी तो। बाकी साउंड सुनो, अगर आपको साउंड आ रहा होगा, वैसे तो माइक में आता नहीं है साउंड ज़्यादा, लेकिन अगर आपको साउंड आ रहा होगा इसका, तो साउंड काफ़ी लाउड आ रहा है बाइक का, और इसके जो बैक फायर है वो भी काफ़ी लाउड आ रहे हैं। इसमें कुछ बज रहा है, खट 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 ना, पता नहीं क्या बज रहा है वो। तो ये है अपनी NS125 CC की, और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है वो आपने शुरू में ही देख लिया होगा, मतलब सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही, और ये किक से भी नहीं हो रही कभी कभी, और इसकी वायरिंग में कोई शॉर्ट नहीं है, और इसकी बैटरी मैंने परसों ही चार्ज करवाई थी, वो खुद ही खुद ख़त्म हो गई, पूरी डेड पड़ी है। मैंने उसमें करंट मार के देखा तो डेड है वो। और बाकी इसके पार्किंग ग्लव देखो गाइस, टैक्सी लगते हैं इससे, लुक है बाइक की, एक पार्किंग ग्लव और दूसरा ही हेड से। और बाकी इस पर रैप करने वाले अपन लोग, आपको पता ही है हम रैप काफ़ी ज़्यादा करते हैं अपनी बाइक पे, तो गंदी हो रही है, इस पर ध्यान मत देना गाइस। आपने पहला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा मैं घूमने गया था, तो रैप का कलर बताना कौन सा करें। बाकी ये कार्बन फाइबर के हैंड गार्ड देखो कितने प्यारे लगते हैं, इससे भी लुक है अगर रील रूल शूट करते हो आप, जैसे मैं भी करता हूँ थोड़ी बहुत, तो उसमें काफ़ी अच्छा लुक आता है बाइक का। और एग्जॉस्ट साउंड आपको बताइए। बाकी NS125 है, काफ़ी लोग इसे 200 भी समझते हैं, लेकिन भाई डिस नहीं है इसमें पीछे, उससे ही समझ जाया करो। और सेल्फ स्टार्ट ही हो नहीं रही है, ये भी दिक्कत है इसमें ज़्यादा, बिजली मारे बजे, इसमें कुछ चीज़ बज रही है गाइस। बाकी कमेंट करके बताओ कौन सी कलर की रैप करें इस बारी हम अपने ट्रॉन्जर पे, मेरा मन तो कुछ ख़तरनाक से ही कर रहा है यूनिक कलर, क्योंकि मैंने अधिकतर रैप कर ही चुका हूँ, आपको फ़ोटो दिख रही होगी साइड साइड में कि कौन कौन से कलर के हमने रैप करे हुए इस पर। और ये देखो भाई, ठीक करवाना है अपना, उसका फोल्डर लगवाना है, क्योंकि आईफोन में इतना स्टोरेज नहीं है कि मैं अपना नॉर्मली काम भी कर सकूं, और वीडियो एडिट GoPro की जो होती है काफ़ी हाई क्वालिटी की होती है, वो आपको पता ही होगा। तो 128 GB का एक तो मेरा आईफोन, उसमें दिक्कत है काफ़ी, तो मैं देखता हूँ उसका फोल्डर कितने का लगता है, तो फोल्डर लगवाएंगे उसका फ़ोन का। दुकान चेंज हो गई फिर से, अभी लग जाएगा फिर, मतलब आज मिल जाएगा नहीं, 5-6 बजे तक अपना फ़ोन मिलेगा। कमेंट करो कौन सी कलर की रैप करें इस पर। और मुझे एक हेलमेट भी लेना है, आपने ब्लॉग देखा होगा तो मेरा उसमें वीडियो आ रही थी कि मैं हेलमेट लेने गया था, मुझे पसंद भी आया गया एक्सोर का हेलमेट, वो काफ़ी महंगा था, मतलब 5-6 हज़ार रुपये की लपेट में था, और उसके साथ वाइजर नहीं मिल रहा था एक्चुअली।
और काफ़ी टाइम से गाइस मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे, उसका रीज़न आपको मैं बता दूंगा आज कि मतलब मेरे फादर है जो पापा मेरे, उनकी डेथ हो गई थी तो उस रीज़न से काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं आ रहे थे मेरे। और बस क्या कर सकते हैं, वो गाइस प्रॉपर ठीक थे वो एकदम, उन्हें क्या हुआ वो हमें समझ ही नहीं आया, 5 मिनट के अंदर सब हो गया। और काफ़ी टाइम भी नहीं हुआ उस हादसे को, मतलब अभी 45 to 50 दिन हुए होंगे, तो बस यही रीज़न है ब्लॉग नहीं आ रहा था। और बस क्या कर सकते हैं, वरना मेरा प्लान था गाइस कि दिवाली पे मैं न्यू बाइक निकालूंगा, 390 ड्यू की NS 400 में से एक निकालता मैं, लेकिन अब जो था साथ दिलाने वाला वही नहीं है, और मैं लेने को अभी ले सकता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनके नाम पे रजिस्टर्ड है ये बाइक, इस बाइक को मुझे अब रखना है कुछ भी हो जाए। बाकी मैं नई बाइक लूँगा लेकिन अभी पूरा 1 साल कंप्लीट होने के बाद लूँगा, क्योंकि अभी नहीं ले सकते हम कुछ भी, वरना मेरा प्लान था, पापा से बात हुई थी कि दिवाली में तो बाइक ले लियो नई अपनी धनतेरस पे, जिस दिन ही आई थी धनतेरस पे उसी दिन न्यू बाइक लेता मैं, आज मतलब धनतेरस पे दिवाली के दिन इंसान था जो हमारा सारा मतलब हिला, हमारे खर्चे हमारे शौक पालता था वो इंसान ही नहीं है। अपने ब्लॉग पे भी ध्यान देना है और बाकी आगे अपनी लाइफ है जो अब जो खुद अपने हिसाब से हैंडल करनी है, पहले तो फ्यूचर में या आफ्टर वी मोर में जो भी परेशानी होती थी वो हैंडल करने के लिए, चाहे फाइनेंशियल दिक्कत हो कोई भी तो हैंडल करने के लिए एक इंसान था कि हाँ मुझे पता है कि मेरी बाइक पे मान लो 10,000 भी लग रहा है तो देने वाला है कोई, तो अब कोई है नहीं, बस मेरी मम्मी है जो हमें ऐसा फील नहीं होने देती कि मेरे पापा नहीं है, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। तो कुछ करना है गाइस यूट्यूब से, यही है अब यूट्यूब बैकअप है, बाकी अपनी जॉब करनी है कोई, तो यही है बस अपनी एक कहानी एक दर्द जो आपको काफ़ी दिनों तक मैंने बताया नहीं, जिसके कारण ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो अब रेगुलर ब्लॉग तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं महीने में एक दो तीन चार तो आ ही सकते हैं, मतलब वीकली 1 ब्लॉग भी करा मैंने तो 4 ब्लॉग आपके लिए हो सकते हैं। बाकी क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया होना को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन दुख इस बात का है मेरी एज है जो वो 20 ईयर ओल्ड, मेरे फादर है जो मेरे पापा इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले गए, उस चीज़ का दुख है। बस मेरे पापा जो थे वो बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, बहुत ज़्यादा मतलब कामयाब इंसान थे और बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे वो मेरे फ्यूचर को लेके, लेकिन अब यह है जो उनकी टेंशन थी मेरे लिए मेरे फ्यूचर को लेके, अब वो मेरे हाथों में है, अगर मुझे कहीं देख रहे होंगे वो ऊपर से भी तो उन्हें दिखाना है हाँ भाई कर सकते हैं कुछ। हम बाइक से बहुत परेशान थे कि बाइक इतनी तेज़ चलाता है, स्टंट करता है, उस चीज़ को लेके काफ़ी डांटते थे वो मुझे, ये चीज़ नहीं थी कि बाइक मत चला या मत लेके जा, बस ये था कि चलाओ आराम से चलाओ अपनी हेल्थ को देखिए, बाइक टूटे तो कोई नहीं, मुझे एंड में भी यही कहा था जब मैं गिरा था जब मेरा क्रैश हुआ था विलीवर से कि बाइक में जितना डैमेज है कोई नहीं लेकिन तेरे कोई चोट नहीं लगनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्या हम 4 और नई खड़ी कर देंगे, ये मेरा घमंड था कि मेरे पापा है तो मैं 4 बाइक नई लेके आ सकता हूँ, तो घमंड टूट गया गाइस आज क्या काफ़ी दिन पहले ही टूट गया वो, तो बस अब दिखाना है कुछ करके कुछ बन के दिखाना है कि हाँ भाई मेरे पापा अगर मुझे देख रहे हो कि उनका बेटा कुछ कर रहा है तो कुछ कर सकता था वो अपनी लाइफ में, मैं खाली पीली इतनी टेंशन लेता था इसके लिए। तो बस यही है ब्लॉग कि आगे से अपने ब्लॉग कम देखने को मिलेंगे आपको, महीने के अंदर आपको 4 या 3 ब्लॉग देखने को मिलेंगे, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा 100% हूँ अपने चैनल पे, आप सब्सक्राइब करो लाइक करो वीडियो को। बस यही रीज़न था कि ब्लॉग नहीं आया, सब इतने परेशान थे घर में कि क्या हुआ अचानक से, एक होता है ना बीमार है इंसान तो ठीक है चलो कि बीमारी थी कोई कुछ थी, एकदम ठीक एकदम हैप्पी थे वो, बस एकदम से पता नहीं क्या हुआ गाइस। तो गाइस इस ब्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड, आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, पीस आउट और लव यू ऑल। चलो गाइस राइड रूट करके आ गए सब, जब सेल्फ काम नहीं कर रहा था अब चेक करो देखो, अभी कर रहा था ये।
मतलब देर में ही सही, लेकिन सेल्फ काम कर रहा है अब घर पे आने के बाद सेल्फ काम कर रहा है, और सुबह तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, आपने देख ही लिया होगा। तो अब काम कर रहा है, आप क्या फ़ायदा, लेकिन सही है, चलो ठीक होगी बिना कुछ करवाने के बाद। बस इसकी बैटरी चार्ज करवानी है मुझे, तो वो मैं करवा ही लूँगा। चलो